छत्तीसगढ़ के सबसे संस्कारवान श्रोता के श्री चरणों में मैं सादर प्रणाम करता हूं। लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ नई दुनिया के श्री चरणों में सादर प्रणाम करता हूं। यहां उपस्थित तमाम लोगों को प्रणाम करता हूं। 33% महिलाओं को विशेष प्रणाम करता हूं। बुजुर्गों को अंतिम प्रणाम करता हूं। अंतिम प्रणाम इसलिए भाई साहब, बिलासपुर के आप धनाढ्य लोग हैं, डबर कर चौनप्रास खाते हैं, तो आपके साथ गारंटी है, पर अपने साथ ऐसी कोई स्थिति नहीं है। मेरे पीछे देश के तमाम शीर्षस्थ कवि मौजूद हैं, और इन तमाम कवियों के बीच देश का सबसे छोटा कवि ये निवेदन लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ है कि म्युनिसिपल का मूल्यांकन नालियों से होता है, म्युनिसिपल का मूल्यांकन नालियों से होता है, नेताओं का मूल्यांकन गालियों से होता है। अरे हम तो आपके अपने आंगन के तुलसी हैं दोस्तों, हमारा मूल्यांकन भी आपके तालियों से होता है। ताली बजते रहना चाहिए भाई साहब, और जब आप ताली बजाते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि जैसे ममता बनर्जी ने तमाम मतभेद भुलाकर मोदी जी को राखी बांध दिया हो। मैं जब यहां पर आया तो मैंने देखा कि कुछ बच्चे उछल कूद मचा रहे थे। मैंने कहा बेटा इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, अरे ये तो संसद के सीधा प्रसारण देखने का नतीजा है। बहरहाल बच्चों में नेताओं के गुण तो आ गए, कितना अच्छा होता कि इन राजनेताओं में भी बच्चों के कुछ गुण आ जाते, क्योंकि मन वचन कर्म से वो सच्चे हो जाते, मन वचन कर्म से वो सच्चे हो जाते। या मौला या खुदा, काश कि मेरे देश के सारे नेता बच्चे हो जाते। चार पंक्तियों से अपनी बात प्रारंभ करता हूं। चार पंक्तियां देश के उन गद्दारों को समर्पित करता हूं जो हिंदुस्तान का खाते हैं लेकिन कसीदे पाकिस्तान के गढ़ते हैं। ऐसे गद्दारों को जवाब देने का अवसर है। मैं चाहता हूं अपनी विधा से जोड़ने से पहले उन गद्दारों को कम से कम जो है मैं जवाब दे सकूं। हमारे बीच पूरे जिंदगी भर राष्ट्र की आराधना करने वाला राष्ट्रीय मनीषी आदरणीय हरिओम पवार जी बैठे हैं। छत्तीसगढ़ की ओर से मैं उनके श्री चरणों में सादर प्रणाम करता हूं और चार पंक्तियां निवेदन करता हूं। पिछले दिनों फारूक अब्दुल्ला साहब ने जिस प्रकार के बयान दिए, ये हिंदुस्तान के सेहत के लिए बहुत ही नासूर जैसा है, और ऐसे गद्दारों को निश्चित तौर पर हम कभी जवाब देंगे। चार पंक्तियां मैं देना चाहता हूं। आपके बीच का सबसे छोटा कवि हूं। मैं जानता हूं कि हाइब्रिड कितना भी अच्छा हो लेकिन असली मजा तो लोकल पताल में है। आप मन के बीच मोर इज्जत है, आप मन जो है। चार पंक्तियां। अगर इज्जत से रहते हो तो पूरा लाड़ देंगे हम। मैं इन तमाम गद्दारों को ये चार पंक्तियां देना चाहता हूं और बिलासपुर में ये देखना चाहता हूं कि ऐसे गद्दारों को आप किस प्रकार से। अगर इज्जत से रहते हो तो पूरा लाड़ देंगे हम, बुरी यादों के पन्नों को स्वयं ही फाड़ देंगे हम। मगर कश्मीर में अलगाव की साजिश न तुम रचना, और बात आप तक पहुंचे तो आशीर्वाद चाहूंगा। मगर कश्मीर में अलगाव की साजिश न तुम रचना, नहीं तो घर में घुस करके तिरंगा गाड़ देंगे, नहीं तो घर में घुस करके तिरंगा गाड़ देंगे हम। जिन्हें कश्मीर की वादी में भी पाकिस्तान दिखता है, जिन्हें कश्मीर की वादी में भी पाकिस्तान दिखता है, कि एक कुर्सी के खातिर जिनका नित ईमान बिकता है, जिन्हें खुद की खबर हो वो न, जिन्हें खुद की खबर भी ना हो वो लोगों को तारेंगे कि इन गद्दार पिल्लों को यहाँ चुन चुन के मारेंगे, कि इन गद्दार पिल्लों को यहाँ चुन चुन के मारेंगे। और हाँ, मैं चार पंक्तियों से अपनी विधा प्रारंभ करता हूं। चार पंक्तियां देश के उस यशस्वी प्रधानमंत्री के श्री चरणों को सौंपना चाहता हूं जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से न सिर्फ हिंदुस्तान की अस्मिता को जीवित रखा बल्कि पाकिस्तान को बताया कि
कि पाकिस्तान यदि तू इस धर सांप है तो हिंदुस्तान तेरा बाप है। और मैं चाहता हूं मित्रों, आप यदि इन भावनाओं के साथ जुड़ सके तो निश्चित तौर पर मेरा जो है आना सार्थक हुआ। तन पे खादी का चोला, मुख पे उजाला, औ हाथ नमन करे मन में है ज्वाला, औ हम साथ इनके ये हैं खेवैया। और ताल दे सके तो मुझे बहुत अच्छा लगा। भ्रष्टाचार मिटाएगा भैया, घर से निकल कर ताकत दिखाओ, घर से निकल कर ताकत दिखाओ, ये है तो वीरों का अवतारी, मोदी की निकली सवारी, मोदी जी की लीला है न्यारी न्यारी, मोदी की निकली सवारी, मोदी जी की लीला है न्यारी न्यारी। एक तरफ राजनाथ, एक तरफ जेटली, सुषमा बहन की शोभा न्यारी, मोदी की निकली सवारी, मोदी जी की लीला है न्यारी न्यारी। भय के दलालों को ठेंगा दिखाया, सेना की ताकत क्या है बताया, सेना की ताकत क्या है बताया, चाइना की दारू पी धुत पड़े थे, गांधीगिरी से उनको जगाया, जब जब लड़े हैं तब तब बढ़े हैं, लाहौर फतह की है तैयारी, मोदी की निकली सवारी, मोदी जी की लीला है न्यारी न्यारी, मोदी की निकली सवारी, मोदी जी की लीला है प्यारी। वंस मोर के चक्कर में तो भारत की आबादी 120 करोड़ हो गए भैया, तोला का करना है। चल तोहे लाइक में कविता सुनात हो। बीड़ी से बीड़ी जलाते चलो, देवताओं तो चढ़ गए का जी तोला, मैं बैगा काम घलो करतो, चिंता मत कर। बीड़ी से बीड़ी जलाते चलो, माचिस का खर्चा बचाते चलो, बीड़ी से बीड़ी जलाते चलो, माचिस का खर्चा बचाते चलो, और राह में मिल जाए ठूठी बीड़ी। वाह, हे निकलना, ताली भी बजाना है। हाँ। राह में मिल जाए ठूठी बीड़ी, और नजरे बचा के उठाते चलो। वाह वाह वाह, कि तोरे दाई लाया थे टोना। वाह वाह वाह, छत्तीसगढ़ की इज्जत के सवाल है। कि तोरे दाई लाया थे टोना, यही बात के हेरोना, हाथ मलिम्बू चानी चरुमा धरे पानी, हाथ मलिम्बू चानी चरुमा धरे पानी, कैसे चुंदी लछरिया ये हाय, बैगा झुपत झुपत, बैगा झुपत। वाह 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 वाह, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, झुपत आए। वाह, हमर प्रदेश शराबबंदी की ओर अग्रसर है, मन हमन बहुत टेंशन में है, मूड बनत नहीं है। मैं शराबबंदी के सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन चार पंक्ति देना चाहता हूं। स्वागत है। कि मोर गांव के दारू भट्टी तोला सुमिरो रे। बढ़िया 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 बढ़िया, जोरदार ताली में हो, राग बहुत लंबा है। कि मोर गांव के दारू भट्टी तोला सुमिरो रे, अमर गांव के दारू भट्टी तोला सुमिरो रे। थोड़ा ताल दे के साथ दो। तोरे गुनलाकत का गांव रे, मोर गांव के दारू भट्टी
तोर गुण लाकत का गाँव रे मोर गाँव के दारू भट्टी, मैं रही रही मात नवाव रे मोर गाँव के दारू भट्टी। सूत उठ के बड़े फजरिया धी के पेग लगावो, सूत उठ के बड़े फजरिया धी के पेग लगावो। महुआ रस के झीम झाम मा सरक के सुखला पावो, फिर सूरा कसपटियावो रे मोर गाँव के दारू भट्टी, फिर सूरा कसपटियावो रे मोर गाँव के दारू भट्टी। मोर गाँव के दारू भट्टी तोला सुमिरो रे, मोर गाँव के दारू भट्टी तोला सुमिरो रे। औ अमृत रद्दा छोड़ के मैं अपमान के रद्दा छाटे हो, अमृत रद्दा छोड़ के मैं अपमान के रद्दा छाटे हो। बाई के भोर हामा खर्रू कुकुर के मूला चाटे हो, बाई के भोर हामा खर्रू कुकुर के मूला छाटे हो। फिर बाई के भोर हामा खर्रू कुकुर के मुडला चाटे हो, फिर गोलर कस यटियावो रे मोर गाँव के दारू भट्टी। और चिपटी संचू नाव के जोड़ी सबके मनला भाथे, मैं यहाँ के नेता मन के नहीं जानो भैया, कि चिपटी संचू नाव के जोड़ी सबके मनला भाथे। जौ नेता चिपटी बांटे ते सरक के सुखला पाथे। और पंक्ति सही हुई तो आशीर्वाद जाऊं। और तोर बलमा कुर्सी पावो रे मोर गाँव के दारू भट्टी, तोर बलमा कुर्सी पावो रे मोर गाँव के दारू। चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता थोड़ा ताल दे, चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता, चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता। नीतीश चले ये गाड़ी, लालू चले पिछाड़ी, सब खेल जानता है नीतीश बड़ा खिलाड़ी। गड्ढे पे लेके जाए पीछे से वो गिराए कहे, चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता, चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता। जत का पाकिस्तान के टोटल आबादी नहीं है, ओकर ले ज्यादा भारत में कुकुर के संख्या है। भगवान के समझिन के देख लो, भारत के कुकुर मन कहूं टेंशन में आके कारगिल के चोटी में चढ़ के कहूं डेरी बोला उठा दी ना, तब पाकिस्तान में साले बाहर आ गई। चार पंक्तियां पाकिस्तान को देना चाहता हूं, समाप्ति की ना, चार पंक्तियां पाकिस्तान को देना चाहता हूं। तेरे ना पाक इरादों को आजमाएंगे, तेरे ना पाक इरादों को आजमाएंगे, तेरे घर में तेरी औकात को दिखाएंगे। और मैंने यदि कोई सही बात की तो सदन मुझे आशीर्वाद दे। तेरे घर में तेरी औकात को दिखाएंगे, कश्मीर नाम पे जेहाद करने वाले सुन, तेरे आंगन में तिरंगा को ही लहराएंगे, तेरे आंगन में तिरंगा को। हाफिज सईद ने कल हिंदुस्तान को धमकी दिया, मैं उनको बताना चाहता हूँ पवार जी को ये पंक्ति विशेष रूप से। मुर्गे की बांग से सूरज नहीं निकलता है, क्या बात है, मुर्गे की बांग से सूरज नहीं निकलता है, सकुनी चाल से चेहरा नहीं बदलता है। और ये अंतिम दो लाइन, और आप सबका आशीर्वाद चाहते हुए मैं स्थान करना चाहूंगा। मुर्गे की बांग से सूरज नहीं निकलता है, सकुनी चाल से चेहरा नहीं बदलता है, गिरगिट की तरह से रंग बदलने वालों, कुत्ते के भौंक से क्या शेर कभी डरता। वाह भाई वाह, बढ़िया है। एक बार ताली बजाओ भाई पद्मलोचन, पाकिस्तान ला बहुत निपटाइस। मुझे समझ में नहीं आए कि पाकिस्तान में मन झंडा काबर फहराना चाहते हैं। भाई हमर हिंदुस्तान में फहरा थे तेने बहुत है, पाकिस्तान ला मिला के का करबो, एकदम हैं अमेरिका कुकुर पाकिस्तान खर्रू कुकुर, और दोनों भारत दहर देखा थे टुकुर टुकुर।